खबर चंडीगढ़ से है। हरियाणा सचिवालय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अहम बैठक समाप्त हो गई है। कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है किया के। और इस बैठक में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज मौजूद रहे। ऊर्जा विभाग, शहरी विभाग और शहरी विकास और हाउसिंग विभाग की योजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक में की गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अहम बैठक समाप्त हो गई है। कई विभागों के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। विपुल गोयल भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे हैं और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे, उन्होंने ऊर्जा विभाग, शहरी विकास और हाउसिंग विभाग की ये समीक्षा बैठक की है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज इस बैठक में मौजूद रहे हैं। समीक्षा की गई है, कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस मौके पर क्या कुछ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। लाइन है, इन सब पर भी चर्चा हुई और नई डिमांड भी मेट्रो की कुछ स्थानों की रखी गई है, लेकिन उसमें भारत सरकार की नीति यही है कि जहां पहली जो मेट्रो चल रही है उसका एक्सपेंशन ये प्रायोरिटी है, नए शहरों में उसके बाद किया जाएगा। उसके एक्सपेंशन के बाद आज जैसे अंबाला के लिए ये विषय है कि अंबाला शहर, अंबाला छावनी, यहाँ मेट्रो चलाई जा सकती है। यमुनानगर जगाधरी, इसमें चलाई जा सकती है। और इसी प्रकार से जो बड़े शहरों की ये मांग भी आई है, साथ ही पीएम ई बस सेवा, इसमें भी कई शहरों के लिए योजना बनाई जा चुकी है। लगभग 450 नई बसें वो शहरी जो हमारी बस सेवा है उसके अंतर्गत लाई जाएंगी, उसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है। प्रीपेड मीटर्स, इसकी भी स्कीम दी गई है, उसका केंद्र सरकार की ओर से ग्रांट भी दी जाती है। उसमें प्रगति थोड़ी कम है क्योंकि अलग अलग मॉडल के ऊपर सिस्टम बनाया गया है। कुछ यहाँ विरोध की बातें भी सामने आई कि साधारण कंज्यूमर जो है, यानी डोमेस्टिक कंज्यूमर, शायद उसको प्रीपेड में दिक्कत आएगी, तो उसके लिए प्रायोरिटी तय की गई कि सबसे पहले सरकारी कार्यालय जितने हैं उनमें प्रीपेड मीटर्स ये लगाए जाएंगे। इसके बाद जो एक कंसेशनल रेट्स, इसके करने की भी घोषणा यहाँ पहले से की हुई है, तो उसमें कमर्शियल है, उसमें इंडस्ट्रियल है, उसमें इंस्टीट्यूशनल है, या जो वेल पेइंग कैपेसिटी रखने वाले ऐसे जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर पहले लगाएंगे, और शनैशन जब इसका लाभ लोगों को पता लगने लगेगा फिर सामान्य कंज्यूमर भी इसमें आ जाएगा। तो टाइम बाउंड क्या है जी सरकारी? अभी तो जून 26 तक का इसका टारगेट है, लेकिन जैसे जैसे सफलता मिलेगी वैसे वैसे इसको ग्रेडेड तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अंततः ये प्रदेश की जो यूटिलिटीज है उनकी सेहत के लिए अच्छा है, तो प्रीपेड मीटरिंग उसकी हो जाए। और इसमें हरियाणा इसमें चूंकि पहले से ही A1 रैंकिंग में है, गवर्नमेंट के जितने ऑफिस हैं उनके ड्यूज जो हैं वो सारे कंप्लीट हैं। सब्सिडी जो है सरकार को जो देनी होती है डिस्काउंट इनको यूटिलिटीज को, वो सब्सिडी भी यहाँ लगभग पूरी दी जा चुकी है, तो इसमें कोई कठिनाइयाँ नहीं है। लाइन लॉसेज का मैंने जैसे पहले बता ही दिया है, और जहाँ तक पीक डिमांड का विषय है, वो जैसे ही गर्मी में पीक डिमांड होती है 14,662 मेगावाट की यहाँ की पीक डिमांड अगले साल की एक्सपेक्टेड है, उसको 100% सप्लाई उसकी पूरी कर दी जाएगी, ऐसा पूरा भरोसा हमने इनको दिला दिया है। ई बस सेवा हो गई, जो सफाई अभियान यानी स्वच्छ भारत मिशन का जो भी टारगेट्स हैं उसमें कई जगह पर कमियां हैं, कहीं जमीन नहीं मिलती है, कहीं चीज़ों को जो बड़े हीप्स हैं, जो बड़े डंप साइट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए भी प्रोसेस चल रहा है। इसमें कुछ प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँ, जो शहर पहले करेंगे उनको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, इस प्रकार का भी मैंने उनको कहा, उल्लेख किया है, ताकि उसमें और इसमें आगे बढ़ाया जा सके। जो एक सप्ताह हमने पिछले दिनों में सेवा ही स्वच्छता ही सेवा, ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो सारे देश भर में चलाया गया था, यहाँ चुनाव के कारण से उसको नहीं चलाया गया था, लेकिन उस काम को अब हरियाणा जम्मू कश्मीर में लागू करके उसको भी पूरा कराया जाएगा। और सभी जगह पर सेवा यानी स्वच्छता ही सेवा, इस भावना से स्वच्छता को अपना स्वभाव बनाएं, स्वच्छता को अपने संस्कार में लाएं, इस प्रकार की बातें भी सब आज के इस समय में हमने की हैं। तो कुल मिलाकर दोनों बैठ के हमारी बहुत ही एक स्वादपूर्ण वातावरण में, स्वादपूर्ण तो रहना ही था लेकिन बहुत खुशनुमा तरीके से विषयों। तो केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने देखिए जानकारी दी है कि कई विभागों के अधिकारियों के साथ जिस तरह से समीक्षा बैठक की गई है, इसका मुख्य एजेंडा क्या रहा है।
आपको बता दें अनिल विज और विपुल गोयल इस बैठक में मौजूद रहे। गर्मी में बिजली की सप्लाई को सुनिश्चित करने के साथ ही बिजली सप्लाई भी किसी तरह की बाधा ना आए, ये एजेंडा रखा गया है। हरियाणा सचिवालय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ये बैठक की, कई विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक की गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक को लेकर जानकारी भी दी और बताया कि किस तरह से लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, ऊर्जा को लेकर, ऊर्जा क्षेत्र को लेकर, बिजली की सप्लाई को सुनिश्चित करने को लेकर। हरियाणा सचिवालय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने यह बैठक ली है, कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी है कि बैठक में कौन से विषयों को लेकर चर्चा की गई है। कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे, कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक ली है और इस बैठक में देखिए हरियाणा में बिजली की स्थिति को लेकर चर्चा की गई है। गर्मियों में जिस तरह से बिजली की किल्लत आ जाती है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गर्मियों में बिजली की सप्लाई को लेकर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चर्चा की, समीक्षा की और बिजली के बढ़ते लोड के मद्देनजर किस तरह के प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है, इसी को लेकर समीक्षा की गई है। ऊर्जा क्षेत्र को लेकर प्रदेश की जिस तरह से मांग इसको लेकर बढ़ रही है, इस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चर्चा की, कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। और इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह से बैठक हुई है, बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही है? देखिए, बिल्कुल, बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण थी क्योंकि जो दो महत्वपूर्ण विभाग हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के पास, उनको लेकर के राज्यों के अंदर किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर के शिमला में हिमाचल की जो बैठक है वो होते हुए नजर आई, पंजाब भवन चंडीगढ़ में जो पंजाब के साथ ही इस प्रकार की बैठक नजर आई, और आज हरियाणा के साथ सुबह ये बैठक है और दोपहर बाद चंडीगढ़ में ये बैठक है। इससे पहले भी कई राज्यों के अंदर जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस प्रकार की बैठकें कर चुके हैं, खासतौर से बिजली के जो प्रोजेक्ट्स हैं और पीएम आवास योजना के तहत किस तरीके का कार्य राज्यों के अंदर किया जा रहा है, उसमें केंद्र से किस प्रकार का सहयोग चाहिए, बिजली संयंत्रों से लेकर के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो किस प्रकार से चल रहे हैं, और हरियाणा में मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर के भी संभावनाएं जो हैं वो इस बैठक के जरिए तलाशी गई हैं अम्बाला के अंदर, यमुनानगर के अंदर। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग परिस्थिति है पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर के, कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के जरिए पानी के जरिए बिजली बनाई जाती है तो कहीं जो है विंड के जरिए जो है बिजली बनाई जाती है, और कहीं कोयले का इस्तेमाल करके और अन्य तरीके से जो बिजली बनाने का काम है वो किया जाता है। अलग अलग जगह जिस भी प्रकार की आवश्यकता है उन तमाम विषयों में केंद्र किस प्रकार से राज्यों का सहयोग कर सकते हैं, राज्यों को किस प्रकार का सहयोग चाहिए, इस उद्देश्य के साथ इस प्रकार का जो दौरा है वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से पूरे देश भर के अंदर शुरू किया गया है, जिसमें कई राज्यों के अंदर जो है वो जा चुके हैं। हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अलावा सौर ऊर्जा को लेकर के भी जो संभावनाएं हैं उन्हें तलाशने को लेकर के उन्होंने बताया कि जो बिल्डिंग्स है, क्योंकि एक बड़ा एरिया जो है सौर ऊर्जा को लेकर के नहीं है, जमीन उस तादाद में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में केवल बिल्डिंग के ऊपर ही जो है इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाए जा सकते हैं बिजली को बचाने को लेकर के और सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने को लेकर के। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें ये तमाम बातें जो है वो अपनी केंद्र के साथ राज्यों के साथ समन्वय बनाने को लेकर के ये बैठक जो है तमाम राज्यों के अंदर रही है जिनके अंदर वो अभी तक गए हैं, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल भी कुछ विषयों पर वो जवाब देते हुए यहां पर नजर आए हैं। आरती धारा 370 को लेकर के जम्मू कश्मीर में जो परिस्थिति बनी है उस पर भी उन्होंने कहा कि इसमें जो भी विषय हैं उन पर कोई हल की बात होगी तो वो जरूर किया जा सकता है, कोई डिमांड की बात है, लेकिन अगर डिमांड धारा 370 को हटाने की है तो वो किसी भी सूरत में नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल साफ शब्दों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। इसी के साथ साथ प्रदेश में कांग्रेस जो ईवीएम को लेकर के लगातार आरोप लगा रही है सत्ताधारी पार्टी पर या फिर
लगातार शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन में की जा रही है, उस पर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये पहले ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रिजल्ट आने से पहले कह दिया था कि जो है जनता देगी जवाब और कांग्रेस कहेगी ईवीएम खराब। ये बात जो है पहले ही कह दी गई थी, इसे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से आज दोहराया गया है और साथ ही साथ ये भी कांग्रेस को नसीहत दी गई है कि जो खामियां रही हैं उनकी उनकी तह तक जो है अगर वो स्वयं जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इस प्रकार की बातें करने के जो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी रही या फिर जो कांग्रेस के अंदर कमियां रही हैं उन कमियों को पहचाने अगर कांग्रेस तो ज्यादा बेहतर होगा, ये भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कहते हुए नजर आए हैं। ये तमाम बातें आज की हरियाणा के साथ जो बैठक हुई थी हरियाणा सचिवालय के अंदर उसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से कही गई है। अब से कुछ ही देर बाद वो इसी प्रकार से चंडीगढ़ प्रशासन के साथ भी इस प्रकार की जो बैठक है वो करते हुए नजर आएंगे, करीब 3 बजे ये बैठक उनकी रहने वाली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।